सेकेंड एप्रन की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। एप्रन का मेजरमेंट फुल लेंथ 30 इंच, एक्रोस चेस्ट 12 इंच, चेस्ट 36 इंच। एप्रन बनाने के लिए हमें एक्रोस चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए होता है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, फुल लेंथ प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 30 इंच है, टर्निंग 1 इंच इज 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 इंच। लेंथ लेंगे हम यहां पर 31 इंच, ये हमारी यहां से यहां तक फुल लेंथ है। ये फोल्ड साइड है, लेंथ लाइन से अंदर की तरफ जाएंगे, एक्रोस चेस्ट है हमारी 12 इंच। एक्रोस चेस्ट का हाफ करेंगे प्लस हाफ इंच, 12 का हाफ किया 6 इंच प्लस हाफ इंच इज इक्वल टू 6.5, 6.5 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आएंगे और 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये हम एक्रोस चेस्ट का, ये यहां से यहां तक हमारी एक्रोस चेस्ट है। एक्रोस चेस्ट से हम 5 इंच से 6 इंच नीचे आते हैं लेंथ लाइन से, यहां पर हम आएंगे 6 इंच नीचे आएंगे ऐसे, और यहां पर एक निशान लगाएंगे। 5 इंच भी नीचे आ सकते हैं, जितना आपको डाउन चाहिए उतना हम आते हैं, या 4 इंच 5 इंच 6 इंच। हम यहां पर 5 इंच नीचे आए, एक्रोस चेस्ट से नीचे आइए, यहां पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट हमारी 36 है। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। लेंथ लाइन से जो हमें 5 इंच डाउन आए, यहां पर हम चेस्ट लाइन के लिए अंदर आएंगे, 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 11 इंच पर हमने ये जो निशान लगाया है उतना ही हम यहां बॉटम पे निशान लगाएंगे विड्थ के लिए। विड्थ अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो यहां पर 1/2 इंच 1 इंच चेस्ट से ज्यादा भी रख सकते हैं, और इक्वल समान रखना चाहते हैं, जितनी चेस्ट है उतनी ही विड्थ रखना चाहते हैं, तो यहां पर जितना भी फॉर्मूले के हिसाब से आता है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। 11 इंच हमने विड्थ का निशान लगाया, 11 इंच ही यहां पर लगाएंगे। अगर विड्थ ज्यादा रखना चाहते हैं आप 1 इंच ऐड कर सकते हैं। एक्रोस चेस्ट को इस हमारे चेस्ट वाले निशान से कनेक्ट करेंगे तिरछा ऐसे, चेस्ट के निशान को विड्थ के निशान से कनेक्ट करेंगे, ये हमने यहां से यहां तक भी जितना चेस्ट पे लिया उतना ही हमने 11 इंच रखा है, यहां पर आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ये ओपन साइड है। ये सभी निशान लगाने के बाद हम यहां पर अगर पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पॉकेट भी लगा सकते हैं, एक लगाना है एक लगाइए,
पॉकेट लेंथ के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इंच। पॉकेट विड्थ के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच, ये पॉकेट विड्थ निकल के आई है। अगर एक पॉकेट लगानी है तो हम पॉकेट की लेंथ और बढ़ा देते हैं, सेंटर में लगाते हैं, ये जो फोल्ड साइड है इसके हाफ इधर करके वो हमारी एक पॉकेट लग जाती है। उसके लिए हम 10 इंच की विड्थ भी रख सकते हैं और 11 इंच 12 इंच की जितनी विड्थ हमें चाहिए रख सकते हैं। अब यहां पर हम पॉकेट बनाएंगे, पॉकेट की लेंथ हमारी 6 इंच है और विड्थ है हमारी 5.5। ये हमारी फोल्ड साइड है, एक पॉकेट लगाना चाहे आप एक लगाइए, दो लगाना चाहे दो लगाइए, सेंटर में एक चौड़ी पॉकेट लगाना चाहे वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। ये हमने यहां से यहां तक 6 इंच लेंथ ली है, विड्थ है 5.5। अगर पॉकेट को चौकोर रखना चाहे चौकोर रख सकते हैं, नीचे से कोई शेप देना चाहे शेप दे सकते हैं, जैसा आप चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर हल्की सी शेप दे सकते हैं, गोलाई रख सकते हैं, तिरछी रख सकते हैं या चौकोर भी रख सकते हैं। ये हमारी पॉकेट होगी। अब जो हमारी नेक पे बांधने के लिए डोरी लगती है, नेक बैंड जो होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना हमारा एक्रोस चेस्ट होता है, ये हमारा एक्रोस चेस्ट है यहां से यहां तक। अब इसकी हम ये राउंड ले लेते हैं, जितनी भी हमारी राउंड होती है उसमें एक इंच प्लस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी यहां से और यहां तक 12 इंच है, 12 इंच में हम एक इंच प्लस करेंगे, 11 इंच है तो एक इंच प्लस करेंगे। उसके लिए हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए चाहे आप पूरे कपड़ा निकाले, चाहे आप सीधे में से भी बना सकते हैं। ये डोरी की लेंथ होगी, नेक जो डोरी लगती है बांधने के लिए, आप पैंट बोल सकते हैं, डोरी बोल सकते हैं, एक इंच आप विड्थ लेंगे। बनाने के बाद उसको फोल्ड करके बनाएंगे तो वो आपकी आधा इंच के आसपास तैयार होगी। ये हमने 12 इंच दिया है, 11 इंच जब चेस्ट टू चेस्ट राउंड करके इस प्रकार से हमारी ये यहां से यहां तक हमारी 10 इंच आई तो 11 इंच लेंगे। एक इंच प्लस किस लिए करेंगे, इसके साथ जब अटैच करेंगे तो इसमें हमारा आधा आधा इंच का दोनों साइड में दब जाता है तो एक इंच हम एड करते हैं। ये नेक के लिए है, नेक बैंड जो डोरी बनेगी हमारी ये वाली, यहां पर एक्रोस चेस्ट को बांध के गले में डालने के लिए बनती है। उसके बाद हम यहां पर जो वेस्ट बेल्ट जो बांधने के लिए बनेगी वो होगी हमारी विड्थ, आप एक इंच रखिए, दो इंच रखिए, जितनी आप विड्थ रखना चाहें, चौड़ी डोरी बेल्ट बनाना चाहें उसी हिसाब से हम यहां पर निशान लगाएंगे। बेल्ट लेंथ आप कितनी लंबी रखना चाहते हैं, कितनी छोटी रखना चाहते हैं आप पर डिपेंड है। 14 इंच की लेंथ एक डोरी रख सकते हैं, 12 इंच रख सकते हैं, 10 इंच। ये हमने दो डोरियां जो बेल्ट लगेगी वेस्ट में एप्रन को बांधने के लिए, एक राइट साइड लगती है और एक लगती है लेफ्ट साइड। ये हमने यहां से
यहां तक 14 इंच ली है बेल्ट की, जो बेल्ट लगेगी उसकी लेंथ, ये हमारी वेस्ट में जो लगती है वो बेल्ट कहलाती है। ये एक एक इंच की इसकी हमने चौड़ाई कट करनी है। लेंथ आप कम ज्यादा कर सकते हैं, चौड़ाई भी अगर आप बारीक बनाना चाहते हैं 1.25 इंच लीजिए, ज्यादा चौड़ी रखना चाहते हैं 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकता है, वो आप पर डिपेंड है। ये हमारी जो यहां पर बनती है बांधने के लिए वेस्ट पे, ये वाली हमारी गले पे बनती है और ये वाली हमारी एप्रन पर यहां बैक पे बनती है वेस्ट को बांधने के लिए। ये हमारे यहां पर अगर आप शेप करना चाहते हैं, शेप भी कर सकते हैं, यहां गोलाई देना चाहते हैं तो 1.5 इंच 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये गोलाई कर देंगे, 1.5 इंच पर यहां पर आएंगे और 1.5 इंच पर यहां पर और इसकी गोलाई कर देंगे। ये हमारे किचन एप्रन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।